हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन। एक क्वेश्चन अपन इसका लेते हैं। आपको दो सीरीज दे रखी है, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। आपको मीन दे रखा है, एक्स सीरीज का 20, वाई सीरीज का 30। आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, एक्स का 9, वाई का 10। और आपको नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं दोनों के, एक का 100 और एक का 110। क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविजन 1, 2 डैश डैश डैश। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविजन का साइन होता है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ स्टेप्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालना चाहिए। कंबाइंड मीन आप लोग कर चुके हैं, कंबाइंड मीन निकालना चाहिए। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था mean1 n1 प्लस mean2 n2 प्लस इसी तरीके से होल अपॉन n1 प्लस n2 प्लस इसी तरीके से कंटिन्यू है, गो ऑन है। तो अपन देखें अपने को क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले mean1, ये रहा mean1 20, n1 यानी 100, mean2 यानी 30, n2 यानी 110, n1 यानी 100, n2 यानी 110। इसको आप सॉल्व करेंगे 2000, 3300 डिवाइडेड बाय 210, दैट इज 25.24। दिस इज योर कंबाइंड मीन। सही है, आगे चले देखते हैं। नाउ स्टेप 2, हमें डिवीजन कैलकुलेट करना है। d1 d1 कैसे होगा, mean1 माइनस कंबाइंड मीन। और हमें कैलकुलेट करना होगा d2, d2 कैसे होगा, वो mean2 से हो जाएगा, यानी mean2 माइनस कंबाइंड मीन। सही है, कैसे, देखो mean1 और mean2 तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, मेरे mean 20 एंड 30। कंबाइंड मीन आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 25.24। तो इससे आपका डिवीशन जो है वो निकल जाएगा, पहले का निकलेगा माइनस 5.24 और दूसरे का निकलेगा प्लस का 4.76। ये अपन ने स्टेप 2 लगा दी, स्टेप 2 से आपका डिविएशन निकल गया। नाउ लास्ट स्टेप अपन को लगानी है, स्टेप नंबर 3। यहाँ अपन कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, n1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस गो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस गो ऑन। इसी तरह से फॉर्मूला चलता रहेगा। ये अब आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन में n1 स्टैंडर्ड डिविजन 1 और d1 आपको पता है, d1 तो ये रहा, n1 और स्टैंडर्ड डिविजन 1 ये रहे, ये n1 है और ये स्टैंडर्ड डिविजन 1 है, ये स्टैंडर्ड डिविजन 2 है, ये n2 है और d2 हमने निकाल ही रखा है। सही है, तो ये सब चीज़ें अपन ने निकाल रखी हैं, अपन को जस्ट इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, ठीक है ना। तो n1 कितना है देखो, 100, स्टैंडर्ड डिविजन 1 है 9, तो 9 का स्क्वायर, और d1 हमने अभी निकाला माइनस का 5.24 यानी इसका स्क्वायर प्लस। सही है, n2 कितना है, n2 है 110, स्टैंडर्ड डिविजन 2 आपको दे रखा है 10 यानी 10 का स्क्वायर, और d2 है 4.76 यानी इसका स्क्वायर, दैट होल अपॉन n1 यानी 100, n2 यानी 110। तो वैल्यू जस्ट अपन ने पुट की है, अब इनको सॉल्व करेंगे अपन कैसे।
अंडर रूट 100 तो है ही, 9 का स्क्वायर आपका हो गया 81, 5.24 माइनस का है उसको माइनस के ही 5.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27.46 प्लस 110, 10 का स्क्वायर ये हो गया आपका 100, 4.76 इंटू 4.76 उसका स्क्वायर है तो 22.66 दैट होल अपॉन 100 प्लस 110 दैट इज 210। इसको और सॉल्व करेंगे 81 प्लस 27.46 को प्लस करके इंटू करेंगे 100 तो ये आएगा 10846। 100 प्लस 22.66 122.66 इंटू 110 दैट इज 13,476 होल डिवाइड बाय 210। इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10.766। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविजन। एक बार वापस से रिपीट कर लें, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा, ये आपका मीन 1 है, ये आपका मीन 2 है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविजन 1 है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविजन 2 है, ये आपका N1 है, ये आपका N2 है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविजन पूछा है। सबसे पहले आप कंबाइंड मीन निकालें, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएं, कंबाइंड मीन निकल जाएगा। फिर आप मीन और कंबाइंड मीन का डिवीजन निकालें, दैट्स कॉल्ड D1, मीन माइनस कंबाइंड मीन, मीन 1 में से फिर मीन 2 में से, दोनों के D1 D2 निकल गए। अब आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविजन का फॉर्मूला जो है वो लिखें, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें और ये आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, केवल आपको ये वाली जो थीम है ये याद करनी है। N1 आगे जाके N2 हो जाएगा, यहाँ स्टैंडर्ड डिविजन 1 का स्क्वायर है, यहाँ स्टैंडर्ड डिविजन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ D1 का स्क्वायर है, यहाँ D2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन N1। जितने ये सेट बनते जाएंगे आगे ऐसे चलता जाएगा, सही है? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आप इसके कर लेंगे तो आपका परफेक्शन आ जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं डिस्पर्जन का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज मीन डिविएशन। तो अपन मीन डिविएशन के क्वेश्चंस जो हैं वो अपन देख रहे हैं। मीन डिविएशन को शॉर्ट में MD कहा जाता है और कई लोग इसे एक सिंबल भी जो है वो देते हैं, एक लेमडा का साइन जो है वो इसके अंदर लगता है, तो ये आपका मीन डिविएशन कहलाता है। तो मीन डिविएशन में अपन सबसे पहले जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, सही है? क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ आएगा कि आपको मीन डिविजन किससे और कैसे कैलकुलेट करना है, तो अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार। कैलकुलेट मीन डिविजन विद द हेल्प ऑफ मीन, ये आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि मीन डिविजन कैलकुलेट करना है, मीन या मीडियन भी लिखा हुआ आ सकता है, उसके भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पहले अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। जो आपको सीरियल नंबर है वो आपको दे रखें 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। आपको x दे रखा है 5 8 11 12 एंड 14। दिस इज योर क्वेश्चन, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, आपको मीन डिविजन निकालना है विद द हेल्प ऑफ मीन, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मीन कहा है तो सबसे पहले तो हमें मीन निकालना है, तो पहले तो हम मीन निकालें। इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है? इंडिविजुअल सीरीज में सीरियल नंबर तो दे रखे होते हैं तो एन कितने हो गए 5, और ये एक्स है इसका टोटल कर दें तो ये सिग्मा एक्स निकल जाएगा, 5 + 8 + 11 + 12 + 14 दैट इज टोटल इज 50। तो सिग्मा एक्स आपका आ गया 50 और एन है आपके 5, 50/5 दैट इज 10, सो मीन इज 10, मीन 10 निकल गया। नाउ अब हमें मॉड्यूलर डी कैलकुलेट करना है, ठीक है? मॉड्यूलर का मतलब मैं बता दूं
मॉड्यूलर का मतलब होता है इग्नोरिंग माइनस, यानी ऑलवेज प्लस, यानी यह माइनस साइन कभी नहीं आ सकता, हमेशा प्लस ही आएगा। डी कैसे निकलेगा? एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलर्स में है, ये एक्स है, इसमें से एक्स बार यानी मीन जो हमने नीचे कैलकुलेट किया उसे लेस करना है। तो 5 में से 10 गया, वैसे तो माइनस 5 आता है लेकिन हमने कहा ऑलवेज 5 पॉजिटिव तो 5। 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2, लेकिन हमें तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है 2। 11 माइनस 10 दैट इज 1। 12 माइनस 10 दैट इज 2। 14 माइनस 10 दैट इज 4। तो ये सिग्मा मॉड्यूलर डी जो है वो आपका आ गया, दैट कम्स 14, सही है। तो ये आपका मॉड्यूलर डी आपको कैलकुलेट पढ़ना पड़ा और इसका फॉर्मूला एक्स माइनस मीन से, ठीक है। अभी हम मीन से कर रहे हैं इसलिए मीन लेस किए, अगर हम मीडियन से कैलकुलेट करेंगे तो या मीडियन लेस करेंगे, उसके लिए हमें पहले मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, सही है। अब हम मीन डिविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो मीन था, अब मीन डिविएशन फॉर्मूला होता है मॉड्यूलर सिग्मा मॉड्यूलर डी अपॉन एन, ठीक है। मॉड्यूलर डी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया सिग्मा कितना 14, और एन आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखे थे 5, तो 14 अपॉन 5 दैट इज 2.8, दिस इज योर मीन डिविशन, दिस इज योर आंसर, मीन डिविशन भी आ गया। अब मीन डिविशन के अलावा आपसे क्या कैलकुलेट करवा सकते हैं, वो आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं कोफिशियंट, को एफिशिएंट ऑफ मीन डिविशन, कई लोग इसे शॉर्ट में लिखते हैं सी ऑफ मीन डिविशन, वही कैलकुलेटेशन कोफिशियंट ऑफ मीन डिविशन है। इसका आपका फॉर्मूला होता है मीन डिविशन अपॉन मीन, यानी जिससे आपने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ मीन भी आ सकता है, मीडियन भी आ सकता है, मोड भी आ सकता है। तो मीन डिविशन तो आपने कैलकुलेट किया है, ये रहा मीन डिविशन, ये मीन डिविशन आपने निकाला कितना 2.8 अपॉन मीन, मीन आपने कैलकुलेट किया ये रहा 10, तो 2.8 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.28, दिस इज योर सी ऑफ मीन डिविशन, दिस इज योर आंसर। तो स्टेट्स में जब भी आप करें फॉर्मूला लिखने के बाद अपने आंसर को इससे ब्लॉक कर दें, इससे टीचर को इजीली आंसर जो है वो नजर आ जाएंगे, तो उसके लिए चेक करना काफी आसान हो जाएगा, सही है। तो ये अपन ने कैलकुलेट किया इंडिविजुअल सीरीज में मीन डिविएशन, पहले आपने मीन निकाला, मीन से मॉड्यूलर डी निकाला, देन मीन डिविएशन का फॉर्मूला पुट किया, मीन डिविएशन निकल गया, और देन सी ऑफ मीन डिविएशन का फॉर्मूला पुट किया, उसका आंसर निकल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर टू हम ले रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज, सही है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपको वही क्वेश्चन, वही आपका क्वेश्चन एक बार वापस लिख देता हूं, कैलकुलेट मीन डिविएशन विद द हेल्प ऑफ मीन, मीन की हेल्प से आपको मीन डिविएशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है x, x आपको दे रखा है 10, 11, 12 एंड 13, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 12, 18, 12, ये आपका फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मीन है तो पहले मैं मीन कैलकुलेट करूं, और डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एफ आपको दे रखा है, एक्स आपको दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं एफ एक्स निकल जाएगा, 10 3 जा 30, 11 12 जा 132, 12 18 जा 216, 13 12 जा 156, इन सब का टोटल कर देंगे तो सिग्मा एफ एक्स आपका निकल जाएगा, दैट कम्स 534, और एन जो होता है वो वास्तव में सिग्मा एफ होता है, तो सभी फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर दें
3 plus 12 plus 18 plus 12 that comes 45. तो इस तरीके से सिग्मा एफ एक्स आपका निकला है 534 और एन यानी सिग्मा एफ आपका निकला है 45. तो 534 डिवाइड बाई 45 दैट इज 11.87. ये आपका मीन जो है वो निकल गया. ठीक है. नाउ अब मुझे मॉड्यूलर डी निकालना है. मॉड्यूलर डी कैसे निकलेगा? मॉड्यूलर में एक्स माइनस एक्स बार. एक्स हमें पता है, एक्स बार हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन 11.87. इन सब में से 11.87 लेस करना है. 10 में से 11.87 गया तो ये आता है माइनस 1.87, बट क्योंकि मॉड्यूलर है माइनस हो ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव. 11 माइनस 11.87 दैट इज 0.87, माइनस का लेकिन प्लस लिखना है. 12 माइनस 11.87 दैट इज 0.13 एंड 13 माइनस 11.87 दैट इज 1.13. ये सब अपन को किसको लेस करना है? 11.87 को, क्योंकि मीन को लेस करके निकाले हैं सारे. ये आ गया मॉड्यूलर डी. अब एक स्टेप बढ़ जाएगी, एफ इंटू मॉड्यूलर डी, एफ इंटू मॉड्यूलर डी. ये रहा एफ, ये रहा मॉड्यूलर डी. 3 इंटू 1.87 दैट इज 5.61. 12 इंटू 0.87 दैट इज 10.44. 18 इंटू 0.13 दैट इज 2.34. 12 इंटू 1.13 दैट इज 13.56. ये अपना एफ मॉड्यूलर डी निकल गया, इनका मल्टीप्लाई निकल गया. अब हम इसका सिग्मा करेंगे. सिग्मा एफ मॉड्यूलर डी इक्वल्स टू 31.95. तो इस बार डी को एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो ये आपका एफ डी निकल जाएगा. अब आप मीन ड्यूरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. मीन ड्यूरेशन सेम उसी तरीके से ही कैलकुलेट होगा. मीन ड्यूरेशन का फॉर्मूला आपका सिग्मा एफ मॉड्यूलर डी अपॉन एन. सिग्मा एफ मॉड्यूलर डी आपने कैलकुलेट किया है 31.95 अपॉन एन, आपने यहाँ कैलकुलेट किया था 45. इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.71. दिस इज योर मीन डिवीजन, दिस इज योर आंसर. सही है. और अब अगर आपको सी ऑफ मीन डिवीजन कैलकुलेट करना हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर्मूला है मीन डिवीजन अपॉन मीन, क्योंकि मीन की हेल्प से कैलकुलेट किया. मीन डिवीजन आपने कैलकुलेट किया 0.71 और मीन आपने कैलकुलेट किया था 11.87. 0.71 डिवाइड बाई 11.87, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.059. दिस इज योर आंसर. तो ये तीनों चीज़ें अपन ने कैलकुलेट कर ली. ये अपन ने डिस्क्रीट सीरीज का विद द हेल्प ऑफ मीन डिवीजन कैलकुलेट किया. सही है. अब आगे चलते हैं अपन.